गाइस ये वैकेंसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से निकल कर आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या सिलेबस, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, मुख्य मुख्य तत्व पर इस पर अपन जानकारी पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। जैसा कि इसमें रहने वाली रिक्वायरमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में यह वैकेंसी रहने वाली है। आइए हम जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसा कि इसमें पहले पोस्टों के बारे में जानकारी दी गई है, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, WBED, WBEDEC। मेरे मित्रों, यह टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 54 रहने वाली है। यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 54 रहने वाली है। अब देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। माइनिंग मेट के लिए आप देख रहे होंगे भाई, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ 18,400 से 80 से लेकर 45,400 तक इसकी वो रहने वाला है, स्किल रहने वाला है। और साथ ही साथ वैलिड मेट सर्टिफिकेट कॉम्पेंटेसी फॉर मेटलाइज फेरस माइन आपको इसमें रहना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट रहता है वो देना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्लास्टर में देखें तो क्या रहने वाला है भाई, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली। जैसा कि आप देख रहे होंगे डिप्लोमा मांग गया है मेरे मित्रों, इसमें डिप्लोमा ओनली और 1 ईयर का एक्सपीरियंस या ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपको अप्रेंटिस ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लास्टर वाला इसमें एक सर्टिफिकेट मांग गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। WBED 18,180 रुपये से लेकर 37,310 तक इसकी आपका सैलरी रहने वाला है। साथ ही साथ डिप्लोमा मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वैलिड क्लास वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं डिप्लोमा, ग्रेजुएट BA BSc या फिर 12th, उसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर वाइंडिंग इंजीनियर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मांगा गया है। आइए हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। जैसा कि इसमें 2/1/2023 से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ 31/1/2023 तक इसके फॉर्म भरे होंगे। आइए हम चलते हैं कुछ और जानकारी की ओर जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कट ऑफ एंड रॉकिंग एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। हम मेरे मित्र इसमें देखते हैं कि भाई क्या कैटेगरी एज रिलेक्सेशन है। ST/SC के लिए 5 वर्ष का, OBC के लिए 3 वर्ष का, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्समैन रहेंगे उन्हें 10 ईयर्स का, साथ ही एक्सपर्टमैन उनको गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। अब देख लेते हैं मेरे मित्र भाई क्या फीस रहने वाली है, मैन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो भाई 500 रुपये इसकी फीस रहने वाली है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है मेरे गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट, रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल एबिलिटी होगी, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है मेरे मित्र, आइए हम देखते हैं रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, टेस्ट। अब देख लेते हैं भाई क्या है। सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड, साथ ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 20, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चलते हैं मेरे मित्र कुछ और जानकारी की ओर जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, हाउ टू अप्लाई उनकी साइट पे जाके करना पड़ेगा आपको अप्लाई। मेरे मित्रों इतनी ही जानकारी इसमें कंप्लीट होने वाली है, और यही जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई। वैसे इसमें और कुछ जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाकर अप्लाई करें, इनकी साइट पर जाएं और फॉर्म फिलअप करें। थैंक यू सो मच गाइस।